विचारों की व्यवस्थित ढंग से सुव्यवस्थित करना, लिखने की प्रक्रिया को सुगठित गद्य में भी की गई है और इसी भी इसी अभिव्यक्ति को हम निबंध कहते हैं। क्या? किसी विषय पर भावों विचारों की व्यवस्थित सुगठित गद्य की गई अभिव्यक्ति को निबंध कहते हैं। निबंध का कोई विषय हो सकता है, बस लिखने वाले को ज्ञान और उसकी आवश्यकता है। निबंध लिखने की विधि कि हम कैसे लिखें, जिस विषय पर निबंध लिखना है उस विषय का मस्तिष्क में हमारे विचार करना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं। जैसे दिया है विज्ञान के चमत्कार, तो उसके बारे में हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं और हम उनको कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। फिर उसके उपरांत लिखी गई रूपरेखा के शीर्षकों के आधार पर विषय को विस्तार रूप से हम लिखते हैं। निबंध में क्रमबद्धता और सुव्यवस्था रखना चाहिए, यानी एक ही क्रम को लेकर आगे आगे लिखते रहना चाहिए। नहीं तो कुछ भी लिख सकते हैं, पहले विषय विस्तार लिख दिया, उपसंहार लिख दिया, तो ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों आपके नंबर कटते हैं, इसलिए निबंध में पहले अब आ जाएगा, इसके बाद निबंध की शैली कैसी हो, सरल हो, है ना, और उसके आधार पर होना चाहिए कि निबंध की शैली के विषय में अनुरूप होना चाहिए और उत्सुकता होना चाहिए कि हमें इस पर क्या लिखना है, रुचि पूर्ण विषय होना चाहिए, जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उस पर हमको अच्छे अच्छे विचार आए, फिर हम उसके माध्यम से आगे आगे सरल भाषा में लिखते जाएं, और सुबोध तथा सुस्पष्ट होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार कथन की पुष्टि के लिए भी उद्धरण देने चाहिए, है ना। फिर निबंध सामग्री, जैसे अच्छा निबंध तभी लिखा जा सकता है जब लेखक को विषय संबंधी ज्ञान हो, यानी लिखने वाले को भी ज्ञान हो। हम कभी कभी लिखे हुए निबंध पढ़ते हैं, वो लेखकों के द्वारा लिखे जाते हैं, है ना, कि कैसे लिखा है, तभी तो हमको फिर बाद में कई हम पढ़ लेते हैं, फिर हमसे किसी एक विषय पर अगर लिखने को आता है तो फिर हमसे बन जाता है। बच्चों कैसे ज्ञान वर्धित पुस्तकें पढ़ना चाहिए, पत्री पत्रिकाएं पढ़ना चाहिए इसके अध्ययन के लिए, समाचार पत्र देखते रहना चाहिए, कभी कोई विषय पर अगर निबंध आ जाए तो हम लिख सकते हैं, है ना। फिर क्या बताया है, निबंध के भाग, यानी कैसे लिखना चाहिए निबंध को, तो पहले तो आती है प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखा जाता है, प्रस्तावना में हम क्या लिखते हैं कि ये क्या है, या हम किसके बारे में ये प्रस्ताव करेंगे, या हम क्या लिख रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद में विषय विस्तार, यानी जो जो टॉपिक लिया है हमने उसके विषय का विस्तार के रूप में पूरा वर्णन करना पड़ता है। फिर उपसंहार, उपसंहार में हम क्या देखते हैं, जो पूरी बातें लिखी गई थी उनका एक शॉर्टकट उपसंहार में लिखते हैं कि इस भाग में वस्तु की चरम अवस्था होती है, इसमें विषय का समाहार किया जाता है। उपसंहार निबंध का स्तर बढ़ाता है, इन्हें लिखने की प्रक्रिया को यह और भी आकर्षक बना देता है। विषय विस्तार में हमने क्या बताया बच्चों कि यह मुख्य भाग है, भाग निबंध के उप शीर्षकों को विस्तार दिया जाता है। जैसे कोई भी लिखा है लाभ के बारे में लिखा है, हानि के बारे में कि इससे क्या हानियां है या इससे क्या महत्व है, जैसे दीपावली है ये क्यों मनाया जाता है, उसके लिए उसका महत्व लिखना है, ऐसे करके हम सबका विषय विस्तार कर सकते हैं। उप शीर्षकों के अनुच्छेद अलग अलग होना चाहिए और क्रमबद्धता तथा सुव्यवस्था होना चाहिए विषय पर। जैसे दिया है
राष्ट्रीय एकता के बारे में निबंध। तो इसमें हम राष्ट्रीय एकता के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? एक दो पंक्तियों का लिख सकते हैं, उनको दर्शा सकते हैं कि हम राष्ट्रीय एकता के बारे में लिख कर काव्य जैसी, कविता जैसी लिखकर या शायरी टाइप दो लिख देते, दो लाइन की, कि रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्या ना, लेकिन हम सब मिलकर ही है इस उपवन की शोभा सारिया सारी। कैसे रंग रंग के रूप हमारे हैं लेकिन हम अलग अलग क्यारी में हैं तो सब एक, लेकिन हम सब मिलकर एक हैं, यानी पूरे देश सारा, चाहे वो कोई भी जाति वर्ग विशेष का किसी भी हो, किसी भी वर्ण का हो, काले वर्ण का, सफेद, गोरा, कुछ भी हो, विदेशी हो, सभी हम पर एक है, इसके बारे में हमें बताया गया है। अब लिखा है कि प्रस्तावना कैसे लिखते हैं, अब देखिएगा राष्ट्रीय एकता की प्रस्तावना। मनुष्य तंत्र भूमि, उस पर निवास करते हैं हम जैसे, तो भूमि के कण कण में निवासियों का इतना प्यार होता है कि उसके लिए अपना सब कुछ मुछावर कर देते हैं। राष्ट्र के निवासी समान धर्म जाति संस्कारों वाले होते हैं, यानी हम भारत के लोग। थोड़ा थोड़ा अंतर तो हो सकता है सभी में, पर मन के स्तर पर एक हो सकते हैं, राष्ट्र के लिए मिलकर सेवा कर सकते, कार्य कर सकते हैं। यानी इसमें ये बताया प्रस्तावना में कि हम कोई भी टॉपिक के बारे में क्या लिख रहे हैं उसके बारे में हमें बताया या क्या करना है। फिर है राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय, अभिप्राय यानी राष्ट्रीय एकता से क्या अभिप्राय, तो बताया है राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय है राष्ट्र के सभी सभी, क्या बताया बच्चों, राष्ट्रीय एकता के सभी राष्ट्रवासी निवासी सभी एक प्रकार से एक है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जाति धर्म संप्रदाय रहन सहन खान पान सभी विभिन्नता हो सकती, लेकिन हम फिर भी एक है। भारत इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। हमारे भारत में सभी जाति वर्ग के लोग रहते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब में भाई भाई। जैसे इधर बताया है लाइन है, दो लाइनों में बताया पंक्ति लिखनी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, ईसाई, मातृभूमि भारत हम सब की, हम सब में भाई भाई। अब इधर बताया है कि राष्ट्रीय एकता की कसौटी, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट बताए। जैसे राष्ट्रीय एकता का पहला क्या बता दिया इसमें, मातृ में राष्ट्रीय एकता से अभिप्राय क्या है, राष्ट्रीय एकता की कसौटी क्या है दूसरा, है ना, फिर राष्ट्रीय एकता की बाधाएं, इस टाइप से आगे आगे हम पढ़ेंगे। फिर आगे बताया देश के लिए क्या समर्पण कर सकते हैं और देश के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताया है। अब बताया है कि राष्ट्रीय एकता की कसौटी क्या है, परख नित्य प्रति व्यवहारों से होती है, व्यक्तिगत स्वार्थ या सम्मान आदि से प्रेरित होकर हम राष्ट्र को तोड़ते या कमजोर बनाने वाला कार्य नहीं कर सकते। राष्ट्र द्रोह है, ये क्या है बच्चों, राष्ट्र द्रोह है। समाज सहित को ध्यान रखकर हम राष्ट्र को जोड़ने और शक्तिशाली बनाने की राष्ट्रभक्ति करते हैं। सच्चा राष्ट्रवाद अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान करता है। जैसे बताया मातृभूमि को रक्त हमारा अर्पित है, बलिदानों के चंदन से यह चर्चित है। अब है राष्ट्रीय एकताओं की बाधाएं, जैसे जाति संप्रदाय में लोग लड़ाई झगड़ा कराव करके और अलगाववादी कर देते हैं ना बच्चों, हमारे जैसा कि बहुत सारे देशों में अभी हो रहा है और बहुत पुराने भी पहले भी हुआ, जैसे अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो और राज करो। वैसे ही बताया कि राष्ट्र में क्या बाधाएं आती हैं, बताया अलगाव है की बात करना राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है, धर्म जातियों संप्रदायों के लोगों से मिलजुल कर प्रेम सद्भावना से रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, विदेश बढ़कर ये इनके प्रति द्वेष को बढ़ाकर भारत में बंटवारा करा दिया गया था, जैसे आज भी है पाकिस्तान और भारत अलग अलग। अब बताया है कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है,
उसकी एकता की आवश्यकता है ना, बहुत है। अगर हम एक होकर नहीं रहेंगे तो दूसरे देश हमारे देश पर वार करेंगे, है ना। और फिर से एकता की आवश्यकता, राष्ट्र के प्रत्येक राष्ट्रवासी का दायित्व है ये कि राष्ट्र में हम एक समुदाय में मिलकर रहें। राष्ट्रीय एकता के प्रयास क्या है? राष्ट्रीय एकता के प्रयास, भारत के निवासी पर्याप्त जागरूक हैं, राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हैं और यहाँ पर सरकारें भी राष्ट्र रक्षा, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए सजग रहती है। यही कारण है कि धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर विक्रय करने वालों ने मुंह उठाया और उन्हें लगा दिया गया। अब है उपसंहार। अब इन सब का निचोड़ बाद में क्या ट्रिक करता है निबंध को? उपसंहार। इसके प्राचीन मानता है कि एकता में अपार बल होता है, इसके लिए प्रत्येक स्तर पर प्रयत्नशील होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता मात्र नेताओं और सरकारों द्वारा स्थापित नहीं की जा सकती, जन भावना का विकास अपेक्षित है। राष्ट्र घर, राष्ट्र गांव, राष्ट्रीय संविधान, भूमि के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव होना चाहिए। जन नायकों को वोट का स्वार्थ त्यागना चाहिए। किसान, मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, प्रशासक आदि को संकुचित हितों के लिए त्याग कर राष्ट्र हित को महत्व देना चाहिए, राष्ट्र में एकता स्थापित ताकि रह सके। क्या बताया उपसंहार है बच्चों? ये राष्ट्र के प्रति क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में लिखने का बताया है। तो हमने अभी क्या देखा? राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों होती है, राष्ट्रीय एकता से क्या अभिप्राय है, इन सब के बारे में हमने लिखना सीखा, कैसा लिखना चाहिए निबंध को। और अगर अलग अलग दिया गया है निबंध तो उसकी प्रस्तावना अलग होगी, उसका अलग लाभ। जैसे बहुत सारे पर्व हैं, 15 अगस्त है तो उसमें क्या आ जाएगा? पर्व की तैयारी के बारे में लिखना पड़ेगा, बीच में हमें विविध आयोजन यानी उस दिन क्या क्या आयोजन हुए, फिर लाभ के बारे में, 15 अगस्त के मनाने से क्या हुआ, हमें क्या लाभ मिला, और उपसंहार के बारे में हम लिखते हैं। दूरदर्शन का है, जैसे दूरदर्शन का निबंध अगर आया हमें तो उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा? पहले प्रस्तावना लिखनी है कि ये कहाँ से दूरदर्शन का शुरुआत हुआ, कहाँ से आया, क्या हुआ, दूरदर्शन का भारत में आगमन कब हुआ। फिर उपयोगिता के बारे में लिखेंगे हम, दूरदर्शन से क्या हानियाँ हैं उसके बारे में लिखेंगे, लाभ क्या है उसके बारे में लिखेंगे, और हम आखिरी में उपसंहार लिखेंगे। ऐसे कई टॉपिक होते हैं बच्चों जिसमें हम अलग अलग इन सब चीजों का महत्व बदल जाता है लिखने का। अब हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे दो प्रकार से होते हैं, जैसे मुहावरे हैं एक, ये क्या है मुहावरे, और एक और होती है लोकोक्तियां। मुहावरे में वाक्य नहीं होते हैं वरन वाक्यांश होते हैं, इसलिए वाक्य में प्रयोग करने पर पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है। और लोकोक्तियों में क्या होता है? वाक्यांश होते हैं, नहीं होता उसमें वाक्य होते हैं, वाक्य बने बनाए मिलते हैं। जैसे बोल देते हैं ना कि लोकोक्ति में हम बोल देते हैं अंधों में काना राजा, अध जल गगरी छल कर जाए, तो इसमें अंतर क्या है? मुहावरे में अंग अंग टूटा यानी शरीर में पीड़ा होना, इसका जैसे वाक्य है प्रयोग करा है चिकन गुनिया होने के कारण मेरा अंग टूट रहा है ना। या किसी का नाम भी हम इसमें ले सकते हैं कि उसको बुखार आया, नाम जैसे अजय को बुखार आया तो उसका बदन चिकन गुनिया के कारण अंग अंग टूट रहा था। आँच ना आना, नुकसान होना, प्रयोग में क्या लिखेंगे? जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है उसे कोई आँच नहीं आ सकती। आँख खुलना, भ्रम दूर होना, कभी कभी हमें हो जाता है ना जिसपे ज्यादा भरोसा होता है और अगर हमें हमारा वो भरोसा तोड़ दे तो हमें, हम कहते हैं ना आँख खुल गई, आज आँखें खुल गई यानी भ्रम दूर हो गया।
परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर भी हमारी मेरी यहाँ खुल गई है। वाक में प्रयोग क्या किया, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर मेरी यहाँ खुल गई। अन्य की लाड़ी यानी एकमात्र सहारा होना, इसका प्रयोग क्या है, श्रवण कुमार ने जैसे अपने माता पिता को ले जाके चार धाम की यात्रा कराई थी ना, उनको था कि हमारा बेटा हमको कांधे पर ले जाके यात्रा कराए, तो इसमें वाक्य में प्रयोग वही बताया कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अन्ने की लाठी रहा या था। अन्ने के हाथ बटेर लगना यानी अपात्र को ऐसा मिल जाना जिसकी योग्य ना हो और उसे मिल जाए, तो वह आचर तो होता है। नालायक हरि सिंह परीक्षा में प्रजा माकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। अपात्र को कुछ मिल जाना, अब है अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति, क्या अक्ल के दुश्मन हो गए हो जो कुएं में कूद रहे हो। अंकुश रखना यानी नियंत्रण में रखना, प्रयोग में क्या है, काये अंकुश ना रखने पर पालतू कुत्ते आवारा हो जाते हैं। फिर अपना राग अलापना, अपनी ही बात करना, दूसरों की नहीं सुनना, बातचीत के दौरान हमें केवल अपना राग ही अलापना नहीं चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होने यानी स्वावलंबी बन जाना, प्रयोग है हमें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए होने के बाद ही शादी की सोचना चाहिए, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना में अपना ही नुकसान करना, परीक्षा के समय देर तक खोल खेल कर क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हो। जैसे बच्चों अभी आप लोग की परीक्षा आ रही है, आपको अभी पढ़ना है, आपको भी ऐसा नहीं करना है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, जैसे बताया ना इधर कि परीक्षा के समय देर रात तक खेल कर उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। आग चुड़ाने यानी कतराना, सामने ना आना, विद्यालय से भागकर तुम्हें माता पिता से आंखें चुड़ानी पड़ती है। अरमान ठंडे पड़ना यानी इच्छाओं का अंत होना। बच्चों ऐसे कई शब्द हैं जिनके आपको वाक्य पुस्तक से देखने हैं और वाक्य बनाने हैं, मुहावरे लिखना है, उनका अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। और बच्चों अभी आपको परीक्षा की तैयारी करते रहना है, इसके लिए आपको बुक से देख देख कर बार बार पढ़ना पड़ेगा। FNFX